नमस्कार। हाँ, कुछ बच्चे अभी भी जोड़ के सवालों में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं, गलतियां। जैसे अनुज को समझ नहीं आ रहा, सनी को समझ नहीं आ रहा, आर्यन समझ नहीं आ रहा। तो हम एक बार फिर से इस पे करके देखेंगे और देखते हैं आप लोग समझ पाते हो या नहीं। समझ में आया? यहाँ देखना है, देखो ये है टेंस का घर, यानी कि दहाई का घर, और ये है इकाई का घर। किसका घर है? इकाई। और ये ढाई। चलो हम कोई सवाल बनाते हैं यहाँ से। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, कितना है ये? 48 में हमें जोड़ना है 39। अब ये इकाई इकाई यानी कि वंस वंस जोड़ने हैं, इधर टेंस टेंस। तो सबसे पहले हम जोड़ते हैं इधर वाला इकाई वाला, तो जोड़ो। 9 और 8 कितने होते हैं? 9 और 8 8 और 9 को जोड़ना है, प्लस करना है। 9 से आगे कितना जोड़ना था? 8 ही तो जोड़ना था, 9 के बाद हम 8 और जोड़ेंगे। 9 कितने होते हैं? 8 यहाँ तक होते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो ये हम यहाँ लिखेंगे 17। यहाँ देखो सोनी, ये यहाँ लिखा हमने 17। यहाँ क्या लिखा हमने? यहाँ 8 को और 9 को जोड़ के आया 17। लेकिन एक इस घर में बैठता है, एक इस घर में और एक इस घर में। यहाँ कितने बैठे हैं? 2 बैठे हैं ना, तो यहाँ 2 नहीं बैठेंगे। यहाँ सिर्फ वंश यानी कि इकाई वाला अंक बैठेगा, दहाई वाला अपने घर में जाएगा। ये इसका घर नहीं है, दहाई का। किसका घर है ये? इकाई का, यानी कि वंश का। और 17 में वंश है 7 और 10 है 1। तो इनमें से कौन जाएगा ऊपर? 1, क्योंकि ये यहाँ जाके अपने घर में चला जाएगा, ये दहाई का घर है। अब 4, 4, 1 और 3, अब इनको प्लस करो। 4 में 1 प्लस किया 5, 5 और 3, 5 और 3, 8, ये हो गया 8। तो आंसर हमारा है 87। समझ में आया? अब एक बार और करके देखो इधर। चलो ये 48 है, 48 में 87 प्लस करना है। तो 8 और 7 को प्लस करो पहले। 8 और 7 जोड़ो कितने होते हैं? 15 चलो 1 और 5 15, क्योंकि इसमें एक ही बैठेगा, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, सबकी एक एक सीट है। तो यहाँ पे वंश का घर है, तो वंश बैठेगा, टेंस नहीं बैठेगा, ठीक है? यानी कि दाई कहाँ जाएगा? दाई के। तो दाई कौन है? ये ऊपर गई यहाँ पे अपने घर पे, ठीक है? अब इनको जोड़ो 4 और 1। अरे 4 और 1 तो जोड़ो पहले। 5 और 8। 5 और 8। हाँ 8 में 5 और जोड़ दो। 8 में 5 जोड़ने हैं बाबू, बिना जोड़े मत बोलो। 13। हाँ, बिना जोड़े कैसे बोल देते हो, गंदी बात है बाबू। 1 और 3, ये रथी। ये दोनों यहाँ नहीं रखने हैं अनुज, जो दोनों जोड़ के आते हैं वो दोनों वहाँ नहीं रहते हैं, दहाई दहाई के घर में जाके जुड़ेगा। यहाँ सिर्फ पीछे वाली संख्या यानी कि इकाई रहती है। समझ में आ रहा है सनी? समझ में आ रहा है? अब मैं एक बार तुमसे ही पूछूंगी, मुझे बताओ। अब जा सनी, जोड़ो जरा। अब सनी बोलेगा 8 और 5 जोड़ना जरा। 8 में 5 और जोड़ो। अनुज 8 और 5 जोड़ो। हाँ कितना हो गया? 13। वेरी गुड, सनी ने बहुत अच्छे से बताया। 13, ये 1 और 3 हो गया। अब क्या करना है सनी, बताओ मुझे, अब क्या करोगे? करो, हाँ लेके जाओ इसको। अब इनको जोड़ो, ये टेंस टेंस हो गए, जोड़ो इनको सबको। हाँ
और फोर और थ्री जोड़ो पहले, फोर और थ्री सेवन और एक वन एट, कितना हो गया? तो ये हो गया हमारा आंसर, क्या आया? 83। क्या आया अनुज? इस बार अनुज करेगा, बहुत देर से शांत खड़े हो। अनुज जोड़ो, कितना जोड़ना है? एट और थ्री, एट में थ्री और जोड़ो। हाँ बताओ मुझे, एट और थ्री मिलके कितने होते हैं? एट और थ्री आठ रुपए हो रहे हैं, तीन रुपए और मिलके कितने होंगे ये बता दो मुझे। एट रुपए तुम्हारे पास हैं, थ्री और मिलके कितने होंगे? एट और थ्री बताओ मुझे आर्यन। अनुज कुछ भी पढ़ के नहीं आए हो तुम, हैं? इलेवन इलेवन ये पिछले स्कूल में भी कुछ नहीं पढ़ा है, तब इसको कुछ नहीं आ रहा है। कितना हो गया? इलेवन। अब वन कहाँ जाएगा? चलिए ऊपर लेके जाते हैं। अब फोर और वन, राधिका फोर और वन फाइव, फाइव में थ्री और जोड़ो एट, वेरी गुड। तो हमारा आंसर क्या है? 81 एट्टी। इस अब सवाल गलत नहीं होने किसी के भी, ठीक है? समझ में आ गया सबको? अनुज समझ में आ गया? राधिका चलिए ठीक है।